हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। तो अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और ये जो ब्लॉग है इसे मैंने रक्षाबंधन के एक दिन बाद बनाया था। मींस कि आज 24 अगस्त है और आज का दिन बहुत ही खास है, इसीलिए आज यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें बना रही हूँ। और आज का जो लंच है बहुत ही स्पेशल रहने वाला है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें मैं बना चुकी हूँ और कुछ मैं वेट कर रही थी कुछ होने का, लेकिन जो मैं चाह रही थी वो हो ही नहीं पा रहा था। फिर मैंने सोचा चलो अपना काम ही ख़त्म कर लेते हैं। तो फिर मैं आ गई किचन में और यहाँ पर ये मैं अभी इस टाइम बना रही हूँ दही बड़े। और आज मैंने जैसे बहुत अच्छा वाला लंच बनाया है, दही बड़े, सब्जी, पूड़ी, कचौड़ी और साथ में बनाई है जबे। तो मैं दोनों साइड ही यहाँ पर कढ़ाई रखकर जल्दी से काम करने वाली हूँ। तो कुछ बड़े यहाँ पर बन चुके हैं और जो थोड़ी सी दाल रह गई थी उनके मैंने यहाँ पर बड़े बना लिए हैं और ये डायरेक्टली मैंने पानी में ही निकाल दिए हैं, क्योंकि बड़े जब भी बनाती हूँ मैं हमेशा पानी में ही निकालती हूँ इस तरीके से। और बस थोड़ी देर के लिए रख दूँगी और इसके बाद जब बड़े अच्छे से फूल जाएंगे तो फिर उन्हें पानी से हाथ से दबा कर निकालना है मुझे। और मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ साथ के साथ एक तरफ पूड़ी की और दूसरी तरफ सब्जी की, क्योंकि आज का जो लंच है बहुत ही खास है। और वो क्यों बना रही हूँ ये मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि आज के दिन जो हमारे पापा जी थे वो हम सबको छोड़ कर चले गए थे। तो मम्मी का मन था कि पापा जी के नाम से हम एक अच्छा सा लंच बनाकर एक थाली जो है निकाल दें। तो बस इसीलिए मैंने यहाँ पर अच्छा सा लंच बनाया। एक्चुअली मेरा ना मन ही नहीं हो रहा था वीडियो लेने का बिल्कुल, मतलब बहुत सारे मैंने सारी प्रिपरेशन कर ली, मैं बहुत टाइम से लगी हुई थी, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें जब बनाते हैं तो टाइम तो लगता ही है। लेकिन फिर ये था कि मैंने सोचा चलो थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये मैं छोले की सब्जी बना रही हूँ और आपको बता दूँ आज ये नहीं है घर पे, तो ये कुछ काम से गए हैं। और दूसरा सब्जी वाले कोई नहीं आ रहे हैं गले में और घर पे टमाटर नहीं है, तो प्याज लहसुन डालना नहीं है, तो अभी के लिए मैंने इसमें टमाटर नहीं डाले हैं। ऐसे ही मैंने सब्जी सादा मसाला डाल के छोंक दी है जिससे कि सब्जी जो है बनके तैयार हो जाए। और जब मैंने पूरा लंच रेडी कर लिया था फिर सब्जी वाले आ गए थे, तो मैंने टमाटर लेकर फिर उनकी ग्रेवी बनाकर फिर मैंने सब्जी में ही उसे अच्छे से पका के मसालों के साथ इसमें ऐड कर दिया था। और यहाँ पर मम्मी भी आ गई है किचन में, तो ये मैं यहाँ पर कचौड़ियाँ बेलती जा रही हूँ। और तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंच जैसे नहीं बनना है, तो थोड़ा सा ही मतलब खाना बनेगा हम सब लोगों का और जो हमें भेजना है वो। तो यहाँ पर ये कचौड़ियाँ दाल की बनाई हैं, ये दाल जो मम्मी ने पीस के रखी हुई है ना उसकी बहुत अच्छी बन जाती है और दो लोगों में काम थोड़ा सा आसान हो जाता है, ये आप सबको पता है। तो मैंने मम्मी को ना कभी नहीं बोलती हूँ कि मम्मी आप मेरा हेल्प करा दो, आप मेरी पूड़ी सेक दो या मेरा ऐसा काम कर दो, लेकिन जब मैं पूड़ी बनाती हूँ तो मम्मी मेरी हेल्प करने किचन में ज़रूर आ जाती हैं। और ये यहाँ पर बहुत ही टेस्टी कचौड़ियाँ बन गई हैं। तो इसके बाद अब यहाँ पर हम लोग बनाएंगे पूड़ियाँ। तो पूड़ी मैं यहाँ पर बेलती जा रही हूँ और मम्मी यहाँ पर सेकती जा रही है, तो थोड़ा सा है ना बहुत फटाफट से हो जाता है, पता ही नहीं लगता है कि काम कहाँ हो गया। तो सारी सब्जी अब्जी रेडी हो चुकी है और ये है आज का बहुत ही टेस्टी लंच जिसमें जवे बनाए हैं मैंने, अरबी की सब्जी है, मूली की, खीरा की सलाद है और मेथी आलू की भुंजिया, अभी मेथी नहीं आती है मैंने कसूरी मेथी यूज़ की है, और दही बड़ा है, छोले की सब्जी है, पूड़ी कचौड़ी है, साथ में दक्षिणा रख के हम उनके घर पर जो है ये देकर आएंगे। और इसके बाद मैं आपसे मिल रही हूँ अभी नेक्स्ट डे। तो अभी सुबह के नहीं, ये आफ्टरनून में मैंने क्लिप लिया था जब आंटी यहाँ पर काम कर रही हैं। एक्चुअली आंटी का ये सेकंड राउंड है, मॉर्निंग में आंटी आई थी तो वापस चली गई थी क्योंकि यहाँ पर बहुत गंदगी, ये तो मतलब समेट गया है सारा काम, जिस टाइम फैला हुआ था ना समझ नहीं आ रहा था हाथ कहाँ पर रखें, घर में सब तोड़फोड़ सी हो गई है। और जब कोई काम लग जाए ना, जब मुझे पता है कि यहाँ पर ये लोग गंदगी कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मतलब हो गया था सारा। तो यहाँ पर ये मैंने लंच रेडी किया था बहुत जल्दी से, इडली सांभर, तो ये रोटी नहीं बनानी थी तो जल्दी बन भी गया, बस बैटर बना के इडली स्टीम के लिए रख दी मैंने। और ये आंटी ने
अभी काम किया है और ये अभी सब हटाने के लिए है, क्योंकि मॉर्निंग में कुछ हो ही नहीं पाया था और आंटी ने जो बर्तन धुले हैं उसके बाद भी अभी बहुत सारा, मतलब ये लंच के सारे बर्तन अभी रह गए हैं, तो ये सब समेटने के लिए है। तो ये यहाँ से अभी ड्रिल मशीन चली थी जो कि मतलब बहुत मिट्टी मिट्टी हो रखी थी जब मैंने लंच बनाया था, तो फिर मैंने ये सब कुछ साफ़ किया था और साफ़ होने के बाद ये आपको इतनी ज़्यादा गंदगी दिख रही है, बहुत बुरा हाल हो गया है। और एक ये नया नल किचन में लगवा दिया है अभी, और ये आंगन में उनका सामान रखा हुआ है जो मिस्त्री लोग आए हैं उनका, और ये वॉश बेसिन की साइड चेंज हो गई है, ये आपको लगा हुआ दिख रहा है, ये यहाँ पर लगा हुआ था, और एक जो नया नल गया है वो यहाँ से ही गया है किचन में। तो ये वाला गीजर की फिटिंग थी, वॉश बेसिन में डायरेक्टली गीजर का पानी आता था, तो वो अब हमने किचन में करा दिया है। और ये सारा तोड़ फोड़ का सारा सामान ऐसे हो गया है, तो मैं ये बस बाद में हटाने वाली हूँ। और ये यहाँ पे आपको वॉल दिख रही है, ये बहुत ही ख़राब हो गई है, मतलब इतना बुरा लग रहा था इसे देख के, मैं बता नहीं सकती, मुझे लग रहा था कि ये तुरंत ठीक हो जाए, लेकिन काम होते हैं ना बहुत टाइम बहुत लगता है, मतलब हमने कभी नहीं सोचा था कि इतनी देर लगेगी, हमने सोचा था 1-1.5 घंटे का काम है बस हो जाएगा, लेकिन इतने से काम में पूरा दिन चला गया, सुबह 11 से शाम के 5 बज गए काम होते होते। और अभी मैंने यहाँ पर जो है सफाई करना स्टार्ट कर दिया है, तो जो लोग काम कर रहे थे वो चले गए हैं, तो वॉश बेसिन लग गया, नल लगाने में उनको सबसे ज़्यादा टाइम लगा, और एक्चुअली नल में जो है चेंजेस भी हो गए, पहले नल उन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था, वो मम्मी को नहीं अच्छा लगा, फिर सामान तो थोड़ा मतलब वेस्ट हुआ, उनकी भी मेहनत हुई, तो हमने फिर से सब कुछ कराया। और ये जब भी मैं कुछ करूँगी, हमारी गुड़िया रानी हर काम के बीच में घुस जाती है काम करने के लिए, मम्मी से पहले उन्हें हर काम करना होता है, सफाई में हर बात में, तो मैं यहाँ पर ये कर रही हूँ धुलाई झाड़ू से। तो मैंने पहले बाल्टी से पानी डाला, लेकिन मिट्टी जो है हटी नहीं रही थी, किसकन किसकन सी, जैसे ना पूरी मिट्टी मिट्टी वाला हो जाता है, क्योंकि ड्रिल मशीन बहुत चली है यहाँ पर सब जगह, ये पाइप के जो छेद है ना पूरी वॉल में निकालने के लिए। वॉश बेसिन के पास तो बहुत गंदगी थी, जब आंटी आई थी तो उन्होंने बर्तन धुलने से पहले वो एरिया पूरा क्लीन कर लिया था, तो अभी यहाँ पर ये मैं पूरा साफ़ कर लूँगी, और ये जो एरिया मैं आपको गंदा वाला दिखा रही थी ये भी साफ़ हो गया है। और इसके बाद मैं यहाँ पर वाइपर लगाऊंगी, इसके साथ ही और भी कुछ काम था, उसकी मैंने क्लिप नहीं ली है, तो वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ और क्या काम हुआ था। तो बहुत सारे काम हो गए थे छोटे छोटे करके, काम मतलब हो जाते हैं तो पूरा दिन हम लोगों को बैठे उठे हो गया था यहाँ पर ना, थोड़ी सी थकान भी हो गई थी। और सफाई करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है कि पूरा पानी डाल डाल कर धुलना, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर वाइपर लगा के इसको अच्छे से क्लीन किया, तो पूरा शाम हो गई थी, 7:15 बज रहा था जब मैं ये सफाई कर रही थी, क्योंकि सफाई करके मैंने हाथ मुंह धुला और उसके बाद फिर मैं मंदिर गई थी, मैंने बाहर देखा कि थोड़ी रोशनी है या नहीं है, क्योंकि मैं शाम को फिर थोड़ा जल्दी रोशनी में ही मंदिर होकर आ जाती हूँ, अंधेरे में नहीं जाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये वाइपर लगाया, और टाइम का कोई ज़्यादा पता नहीं था, बस मैं लगी हुई थी, तो मतलब अभी तो आपको कुछ नहीं दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि हाँ बहुत फटाफट हो गया, लेकिन तोड़ फोड़ में काट कूट में ये बहुत सारा सामान, प्लास्टिक की चीज़ें जो चेंजेस हुए, बहुत सारी मतलब सामान फैला हुआ था, वो सब मैंने पॉलिथिन्स में भर भर के अभी साइड की मैं जो ये स्लैब्स ही पड़ी हुई हैं इन पर रख दिया है। तो बस यहाँ पर सब सफाई वफाई करके फिर मैं मेरा हाथ मुँह धुलूँगी, और साथ के साथ जो भी कूड़ा वगैरह था वो भी मैंने सब यहाँ से हटा लिया है, क्योंकि आंटी आएंगी अब मॉर्निंग में, तो अभी के लिए फिर सब ऐसे पड़ा रह जाएगा, तो बस यहाँ पर कर लिया है मैंने सारा सब कुछ साफ सफाई। और इसके बाद मैं यहाँ पर मेरा हाथ मुँह धुलने वाली हूँ, मुझे इतनी तेज वाली गर्मी लग रही थी, होता है ना कि जब हम इतना ज़्यादा काम करें मतलब सफाई वाला बहुत मेहनत लगती है, और फिर बहुत तेज़ गर्मी लग रही थी, और फिर मन हो रहा था कि हाथों पर मेरे बहुत खुजली हो रही थी, और वो इसलिए हो रही थी ये मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कि मैंने क्या किया था। और फिर मैंने अपना बस मुंह धुला, हाथ मुंह धुलकर फिर मैं आपके साथ यहाँ पर थोड़ी देर बात करने लगी थी, तो चलिए पहले आपके साथ थोड़ी सी बात करते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये ब्लॉग मैंने कल स्टार्ट किया था, लेकिन आपके साथ मैंने ज़्यादा बात नहीं कर पाई, और आज जो है मेरे घर में बहुत सारा काम हो गया है और मॉर्निंग से नाइट हो गई है। सुबह हम लोग ब्रेकफास्ट करके बैठे ही थे, ये जो नल वाले भैया थे परसों आए थे, तो परसों ये घर पे थे नहीं, कुछ काम से बाहर गए हुए थे,
तो मैंने वापस कर दिया था, मैंने बोला आप कल आना, कल ये नहीं आए और आज भी मतलब 11 बज गया था, ठीक 11 बजे ये लोग आए हैं। तो नाश्ता करके हम लोग बैठे हुए थे, बातें बातें चल रही थी, तो बस मैंने मम्मी को बोला ही था कि अब नहीं आएंगे नल वाले भैया। होता है ना कि जो काम है तो जल्दी हो जाए, फिर ये लगता है हम लोग इतने दिन से वेट कर रहे थे कि कब मतलब हमें प्लम्बर मिल जाए तो हम जल्दी से ये जो सारा नल वल का काम है ये सारे काम करवा दें, तो हो ही नहीं पा रहा था, कुछ हो ही नहीं, मतलब ये लोग मिल ही नहीं रहे थे कि घर आके ये मेरा सारा काम कर दें, बहुत दिक्कत हो रही थी। तो कुछ चेंज थे आज, और आज मेरे घर का इतना बुरा हाल बेहाल रहा है पूरे दिन, और आफ्टरनून में मैंने जो है इडली सांभर बनाया था, मतलब प्रोग्राम पहले ही बन गया था, ये लोग आ गए थे उस बीच, फिर मैंने सांभर चढ़ा दी, धीरे से इडली बना ली, मैंने बोला भैया पहले आप किचन का काम ख़त्म करो उसके बाद फिर ये मैं अपना लंच रेडी कर लूँ, उस टाइम भी ठीक 1 बज रहा था। तो जैसे ही काम हुआ फटाफट से मैंने इडली बनाई और सब ऐसे ही पड़ा हुआ था, अब मेरा पूरा क्लीन हो गया है, बस ये थोड़ा अभी सेट करना पड़ेगा, किचन में थोड़ा सा चेंजेस करने हैं। जैसे किचन में मेरे डाइनिंग टेबल है तो किचन जैसे बहुत बड़ा है, पूरा रूम जैसा मेरा किचन है, लेकिन डाइनिंग टेबल की वजह से पूरा भरा भरा रहता है, तो हम लोग डाइनिंग टेबल जो है आंगन में ले जाने वाले हैं, साइड में ये जो लॉबी वाला पार्ट है, बस जाल जो है लास्ट में है, तो ये लॉबी जैसी ही है तो यहाँ पर साइड में डालेंगे, और वॉश बेसिन जो है मैंने बाहर लगवा दिया है सामने, और आंटी के लिए भी नल वगैरह की सब व्यवस्था रही है, तो सारे काम हो गए। और ये स्टैंड यहाँ का चेंज हो गया ड्रिल करा के, और ये वाला नल जो आपको ये दिख रहा है ये है गीजर का नल, तो सर्दियों में बहुत आराम रहेगा। वॉश बेसिन में डबल कनेक्शन था, एक डायरेक्ट नल का और एक गीजर का, तो जब बहुत कटाकाल वाली ठंड होती है ना जिसमें हम लोग ऐसे मन करता है कि हाथ भी बाहर ना निकालो, तो किचन में काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसीलिए ये गीजर वाला जो कनेक्शन था बाहर से पाइप डलवा के, और अभी हाल फिलहाल के लिए जितना मैं क्लीन कर सकती थी मैंने पूरा कुकटॉप ये सब कुछ क्लीन किया, और ये बर्तन मैंने क्लीन किए क्योंकि आंटी बेचारी सुबह आई थी उन्हें वापस कर दिया, फिर आंटी आई तो काम ही चल रहा था, फिर उसी बीच में उन्होंने जितने बर्तन हो सकते थे धुल के चली गई, वो सारे मेरे नीचे रखे हुए हैं, फिर जो बच रहे थे वो सारे मैंने धुल लिए कि कहाँ गंदे छोड़ो, ये होता है कि एक धुलना शुरू करो, कप अप पड़े हुए थे चाय के वो सारे धुले, तो फिर मैंने ये सारे भी धुल दिए, और ये अभी सारा सेट करने को है, और डाइनिंग मेरा बहुत गंदा हो रहा था, और अभी तो है उस पर सामान, ये सब हटाने के लिए है, और सब सेट करूँगी बर्तन वगैरह जब लग जाएंगे। और ये वाला एरिया आपने देखा होगा बहुत गंदा था, ये ना मैंने खुद से सही कर दिया है, सब टूट फूट हो रही थी अंदर से, सब गंदा बिल्कुल काला दिख रहा था, तो वाइट सीमेंट बचा हुआ था उसे मैंने घोला और इस पर ऐसे हाथ से ही कर दिया, तो मेरे हाथों में ना बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है पता नहीं क्यों, थोड़ा सा अभी लोशन लगाऊंगी, बस मैंने हाथ मुँह धोया है और आपके साथ बात शुरू कर दी है, थोड़ा सा अभी कंगी वंगी करूँगी तो थोड़ा सा रिलैक्स फील करूँगी, और जो वॉश बेसिन के नीचे वाला हिस्सा था वो निकलवा दिया है, और ये अभी सारा सामान यहाँ से ये पूरी क्लीनिंग होनी है, सब सफाई होनी है, ये यहीं पर रहेगा, मेरे पोछे की बाल्टी और आंटी का जो सामान है वो यहीं रहता है, और इसके बाद ये दो ड्रिल करा के ये दोनों स्टैंड यहाँ सेट करा दिया है मिक्की माउस का, और ये और वॉश बेसिन यहाँ पे लग गया, और ये जो पाइप है ये इसका डायरेक्ट कनेक्शन हमने बाहर निकाल दिया है क्योंकि पीछे जो है नाली है, और पाइप वगैरह सब अच्छे से सेट करा दिया, बहुत अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे एक बड़ा सा मिरर और एक स्टैंड होता है ना स्टील का, जैसे मैंने ऊपर वॉश बेसिन में लगाया है वो वाला लगवाऊंगी, जिस पर हम सारा सामान रख पाएंगे, और जब ये सब हट जाएगा यहाँ से तब बहुत अच्छा लगेगा। मशीन इस साइड आ गई है, और ये एक्सरसाइज साइकिल हमारी इस साइड आ गई है, और ये है गीजर की फिटिंग जो कि डबल था यहाँ पर सेटिंग में, तो ये एक इस तरीके से पाइप लगवा के, और इसमें आज बड़ी प्रॉब्लम हुई है कि उसने पहले गलत फिटिंग कर दी, लगभग कैसे इतना ऊपर कर दो आप सेंटर में जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, फिर दोबारा हम लोगों ने तोड़वा के, और वो चिपक जाता है तो सब चीज़ें बेकार हो जाती हैं, फिर मार्केट से मंगा के फिर से सब लगवाया यहाँ पर, और अब ये टाइल के साइड और ये सब हटेगा यहाँ से, पूरा सारा सामान हटा दूंगी अभी के लिए, तो मैंने जो पाइप बचे थे सब ऐसे ही रख दिए हैं, और कुछ फेंकने वाली चीज़ें हैं वो सब हटाऊंगी यहाँ से, और आज बस इतना बहुत सारा काम हो गया। आपके साथ मैं बात करना चाह रही थी और कल जो है बिल्कुल भी बात करने का मन ही नहीं हुआ, और चलिए ये वीडियो एक छोटा सा रहने वाला है, आप लोगों को कैसा लगा मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। घर में जो है थोड़े बहुत चेंज करवाते रहना चाहिए, और हो ही जाते हैं, जब हमारा मन करता है अरे ये चीज़ यहाँ नहीं यहाँ होनी चाहिए थी, ये चीज़ यहाँ नहीं यहाँ होनी चाहिए थी, तो हो जाता है,
और कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। और हाँ, ऊपर भी काम कराया था, जो हमारी मेन टंकी है उसका ओवरफ्लो कुछ वर्क नहीं कर रहा था, ठीक से पानी नहीं निकाल रहा था, और बाहर से मतलब कहीं से पानी लीकेज हो रहा था, तो वो सब सेट करा दिया है आज फिर से, दोबारा से नीचे थोड़ा करा के दोबारा से फिटिंग हुई है। तो उसमें एक पत्थर फंसा हुआ था, जो पहले वाली फिटिंग थी उसमें पत्थर की वजह से पानी नहीं निकल पा रहा था, तो आज सारे काम हो गए हैं जो कि बहुत ज़रूरी थे। और अब मौसम में बहुत चेंज आ गया है, शाम बहुत जल्दी हो जाती है, पूरा दिन हम लोग बैठे उठे रहे, बातें करते रहे, कुछ नहीं पता चला। तो ये छोटा सा चेंज था जो मैंने मेरे घर में करा लिया है और आपके साथ शेयर भी कर दिया है, और ये छोटा सा वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कैसा लगा आपको ज़रूर शेयर करना। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।